डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी 12 जून 1950 को गुजरांवाला में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद अनवर सिद्दीकी पहले बरतानवी और फिर पाकिस्तानी फौज में मवासलात के शोबे से मुंसलिक थे। बाद हजां वो पाकिस्तान टाइम्स और रोजनामा अमरोज़ से वाबस्ता हो गए। एबटाबाद और रावलपिंडी में तालीम का आगाज़ करने के बाद सादत अपने माँ बाप और दो बहनों समेत लाहौर मुंतकिल हो गए। बिलालगंज के नॉर्मल स्कूल में कुछ देर जेर तालीम रहने के बाद आप लाहौर के मारूफ सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में दाखिल हो गए, जहां से आपने 1965 में मैट्रिक की मंजिल हासिल की। दरअसल सेंट्रल मॉडल स्कूल ने उनकी ज़िंदगी की राह मुतय्यन कर दी। काजी मोहम्मद अफजल, शरीफ साबिर, मोहम्मद हसन, जीएन बट और ताहिर शादानी जैसे काबिल और अज खुद रफ्ता मगर साहिब दिल असातजा की शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ और वो सारी उम्र उनसे मोहब्बत और अकीदत का दम भरते रहे। ये स्कूल बकौल उन्हीं के, उनमें वतन दोस्ती, इंसान दोस्ती, इस्लाम दोस्ती, दयानतदारी, फ़र्ज शनासी और इल्म परवरी की खूबियां पैदा करने का जरिया बना। लाहौर की वहदत रोड पे मौजूद सुपीरियर साइंस कॉलेज में दाखिल हुए तो वहाँ भी खालिद मसूद सिद्दीकी, डॉक्टर ताहिर हुसैन और डॉक्टर मजीद ऐवान जैसे नाबगाय रोज़गार इसातज़ा से शर्फ तलम्मुज़ हासिल हुआ। एमएससी फिज़िक्स इसी कॉलेज से मुकम्मल की। इम्तहानात पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंसराम थे और डॉक्टर समर मुबारक मंद की शागिर्दी में न्यूट्रॉन फिज़िक्स पे तहकीकी मसवदा तैयार किया। ये सुपीरियर साइंस कॉलेज में तलबा का हरावल दस्ता था। स्कूल और कॉलेज के ज़माने ही से सादत ने गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कई अखबारात में चश्मकुशा मजामीन लिखे, अल बैरूनी सोसाइटी की निज़ामत संभाली, स्कूल और कॉलेज के मुजल्लों की अदारत में हिस्सा लिया और मुल्की और आलमी हालात पर अपनी एक मुहकम इंसान दोस्त और तरक्की पसंद राय कायम करके दोस्तों और अजीज़ों में इज़्ज़त का मकाम हासिल किया। सादत ने 1973 में पंजाब यूनिवर्सिटी के नौ कायम शुदा सेंटर बराए सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में बतौर लेक्चरार तदरीसी और तहकीकी कामों का आगाज़ किया। वहाँ उन्हें रदरफोर्ड के शागिर्द डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी के साथ इब्तदाई काम करने का मौका मिला। 1975 में वालिद के इंतकाल के बाद, जिनकी उम्र महज 49 साल थी, उनकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई। अब बहनों की शादी उनका मतमय नज़र बन गई। ये काम उन्होंने बहुसन खूबी अंजाम दिए। लाहौर के मारूफ डॉक्टर मसूद कुरैशी की बेटी शाहिदा बानो से शादी करार पाई। कुछ सालों बाद ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इंग्लिस्तान की न्यू कासल यूनिवर्सिटी की क्रिस्टलोग्राफी की तजुर्बागाह से प्रोफेसर केनेथ जैक की शागिर्दी में जदीद सिरामिक मटीरियल पर काम करने का नादिर मौका मिला और क्रिस्टलोग्राफी के कई हल तलब मसाइल को कमाल दानिशमंदी से हल किया। और 1982 से 1985 तक इसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एलन हेनरी और प्रोफेसर जैक के ज़ेर तरबियत रहकर पीएचडी की तालीम मुकम्मल की और फिलफोर वतन और माँ की याद और तड़प उन्हें लाहौर वापस ले आई। पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर बराए सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2011 तक उनकी तहकीकी, तालीमी और तदरीसी सरगर्मियों का मरकज़ रहा, जहाँ उन्होंने हज़ारों काबिल शागिर्दों को सिरामिक्स, मकनातीसियत और ऊंचे दर्जा हरारत वाले आला मौसलों यानी सुपर कंडक्टर्स जैसे मुआसिर फ़नून से आगाह किया और पाकिस्तान में इन शोबों में बुनियादी और इतलाकी तहकीक की बुनियाद रखी। सादत अपनी खुल्क और मिलनसारी की वजह से एक हरदिल अजीज उस्ताद और मुहक्किक थे। जल्द ही पंजाब यूनिवर्सिटी के हर शोबे के असातजा से उनका जाती और गहरा ताल्लुक कायम हो गया। दरी असना अब्दुस्सलाम इंस्टीट्यूट बराए नज़रियाती फिज़िक्स इटली और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लिस्तान में वक्त गुजार के अपनी तहकीक को मजीद आगे बढ़ाया और बैनुल अक़वामी हलकों में भी तहकीकी रवाबित बढ़ाते गए। साथ ही साथ अपनी तसनीफी और सहाफती सरगर्मियों को भी जारी रखा। कई शागिर्दों को पीएचडी और बहुतेरों को एमफिल की सतह पर तहकीक कराई और बैनुल अक़वामी जराइद में मुतफर्रिक मौजूआत पर अपनी तहकीक शाया की। 2011 में सादत अनवर सिद्दीकी कॉमसेट्स लाहौर के इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर इन बायोमेडिकल मटेरियल्स में बतौर मुशीर मुंतकिल हो गए और अपनी वफात तक इसी इदारे में नहायत जाफिशानी से बायोमटेरियल्स पे तहकीक
और जुस्तजू के अमल से वाबस्ता रहे। यहाँ उन्होंने हड्डियों और दांतों के लिए मस्नूई मटेरियल्स बनाने के अवामिल पे काम किया। सैकड़ों तहकीकी मकाले बैनुलअक्वामी रिसालों में शाया किए और अपनी मरंजा मरंज फितरत के मुताबिक नौजवान मुहक्किकीन और साइंसदानों की हर किस्म की रहनुमाई भी तसलसल से जारी रखी। आपने 8 दिसंबर 2020 को मुख्तसर अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल किया और अपने घर के पास मुस्तफ़ा टाउन के दारे खमोशा में सुपुर्द खाक हुए। उनकी वफात यकीनन एक अहद का खात्मा साबित हुई, जो हज़ारों दोस्तों, शागिर्दों और अजीज़ों के लिए एक नाकाबिल यकीन सानहा थी। पाकिस्तान और उसके नौजवानों की इल्मी, ज़हनी और अखलाकी तरबियत सादत अनवर सिद्दीकी के रगो पह में बसी थी। उनका ओढ़ना बिछोना और मकसद हयात यही जज्बा था कि पाकिस्तान आलम अकवाम में एक बावकार, मजबूत और काबिल तकलीद ममलिकत की हैसियत से उभरे। उनकी नज़र में यह तालीम और बिलखसूस आला तर्ज की साइंसी तालीम के बगैर मुमकिन न था। इसी ख्याल के पेश नज़र उन्होंने 1996 में ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी की दागबेल डाली, जो फरोगे साइंस की इल्मी और अमली तहरीक के तौर पे अब मुल्क की सबसे मुतहरिक जमात बन चुकी है। फलकियाती मेले हों या लाहौर साइंस मेला, साइंसदानों और नौ आमूज तलबा का मिलाप हो या अखबारात और रसायल में तहकीकी और फिक्र फरोज मजामीन का सिलसिला, तलबा और तालिबात के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का अहतमाम हो या किताबों की एशात और तर्जुमा, ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी अब तक हज़ारों बल्कि शायद लाखों नौजवान और बच्चों की ज़हनी पर्दाख्त और फिक्र साजी का अहतमाम कर चुकी है। यह सिलसिला इनके बाद भी इंशाल्लाह सदका जारिया के तौर पर जारी और सारी रहेगा। सादत अनवर सिद्दीकी का ख्वाब एक ऐसा पाकिस्तान था जिसमें बाहमी मसावात के असल उसूल के तहत सब नौजवानों और बच्चों को तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी से इस्तफादे के यकसा मौके मिलेंगे, जहां अदल व इंसाफ का दौर दौरा होगा, जहां भूख का नामो निशान तक ना होगा, जहां इकबाल की हमीयत नजर आएगी, जहां उनके आइडियल टीपू सुल्तान की हुरियत का मंजर आंखों के सामने होगा और जहां मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल 21वीं सदी के हाल में ढली नजर आएगी। क्या आप इस तहरीक में हमारे साथ शामिल होंगे?